हमीरपुर मिनी सचिवालय गेट पर सीटू कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आज कृषि बिल को वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। सीटू कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष जताया है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज किसान विरोधी काम करने के लिए सरकार लगी हुई है और इससे छोटा किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सीटू किसान विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करती है और एपीएमसी कानून व एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटियों के माध्यम से भी निजी क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ई मंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे हिमाचल जैसे छोटे राज्यों के किसानों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के सभी संगठन केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आज सीटू के द्वारा भी किसानों के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव सीएटू, आज पूरे देश में जो केंद्र सरकार ने 3 किसान से संबंधित कानूनों में संशोधन किए हैं, उन संशोधनों के खिलाफ पूरे देश में किसान को प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएटू और तमाम ट्रेड यूनियन किसानों का समर्थन कर रही है। और इसका वजह ये है कि इस परिवर्तन से, ये जो संशोधन किए गए हैं, इससे किसान तो प्रभावित हो गए, बर्बाद होगा किसान ज़्यादा, परंतु देश का मजदूर भी इससे प्रभावित होगा। सरकार ने जो मुख्य बात है जो संशोधन कर दिए है, पहले सरकार ने कानून था कि आप एक लिमिट से ज़्यादा जमाखोरी नहीं कर सकते खाद्यान्न वस्तुओं में, अनाज में, चीनी में, प्याज में, इन सारी चीज़ों में एक लिमिट तक आप जमाखोरी कर सकते थे। अभी सरकार ने वो जमाखोरी करने का सारा सीमा हटा दिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को इजाज़त दे दी है और दुकानदारों को भी, और जितना मर्जी स्टोर कर लो। और इससे ये होगा पूरे देश में अनाज की और दूसरी सारी चीज़ों की किल्लत पैदा हो जाएगी, जिससे चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और उससे जो है आम जो आदमी है, किसान तो बर्बाद होगा ही होगा, परंतु मजदूर भी बर्बाद होगा। बनावटी किस्म का चीज़ों की कमी जो है देश में किल्लत पैदा कर दी जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा मुनाफा कमाने के लिए, और इससे किसान बर्बाद होगा।